अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सिद्धार्थ, क्या बात है बेटे, आज जल्दी उठ गए? रात भर नींद नहीं आया पापा। क्यों? कल मैंने आपकी और धीरज की बातें सुन ली पापा। तुम्हारा मतलब आंचल और तुम्हारे बारे में? बेटा, हमें कोई एतराज नहीं, हम तो तुम्हारी खुशी चाहते हैं। माँ बाप की खुशी बच्चों की खुशी से ही है, और फिर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो फिर किसी को क्या एतराज हो सकता है? पापा, यह सच नहीं है। मैं जानता हूं कि आचल जी बहुत अच्छी है, वो बच्चों से प्यार भी करती हैं और बच्चे उन्हें पसंद भी करते हैं। बट प्लीज पापा, आप इस बात को यही रहने दो। क्यों बेटा? आचल जी मेरे लिए बच्चों के टीचर के अलावा कुछ नहीं है, और मैं ये भी जानता हूं कि उनसे अच्छी दूसरी टीचर हमें नहीं मिल सकती। वो कितना कुछ कर रही हमारे लिए, कितना एहसान है उनके हम पर, और हम ये क्या कर रहे हैं पापा? अगर उनको पता चल गया कि उनको लेकर अपने घर में ऐसी बातें हो रही हैं, तो उनको दुख तो होगा ही, और पापा क्यों नहीं होना चाहिए? आप अपने आप को उनकी जगह पर रखकर देखिए ना, कि एक बेटे के बाप होने की हैसियत से, और ऐसा बेटा जिसके तीन तीन बच्चे हो। अगर माँ के दिल में किसी भी तरह का शक है तो मैं उनसे बात कर लूंगा। लेकिन बेटा, हम तो सिर्फ प्लीज पापा, पहले ही इतने उलझने हैं, मैं और उलझना नहीं चाहता। इस बात को हम यही रहने देते। जया के यादों के साथ मैं उतना ही खुश हूं जितना कि जया के रहते था। मेरे पास जया की यादों के सिवा किसी चीज के लिए जगह नहीं पाता, न दिल में न जिंदगी में। तरस गए नैन सिया के, तरस बिना उसे राम पिया के, तरस गए नैन सिया के। हाँ, आप उनसे बात कर लेना। सिद्धार्थ जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते, मैं आपसे एक मिनट बात कर सकती हूँ? मुझसे? कहिए ना। वो मेरा भाई है ना मन्नू, उसे अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए एक फैक्ट्री विजिट करनी थी, तो मैंने आपसे बिना पूछे उसे कह दिया कि वो आपकी फैक्ट्री विजिट कर सकता है। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मुझे अपने फैक्ट्री मैनेजर से बात करके पूछना होगा पॉसिबिलिटीज क्या क्या है।
चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ चुकी है। देखिए, मैं आपको पहले से ही खबरदार कर रही हूँ, बाद में मत पछताना, जब चिड़िया सारे खेत चुक जाएगी। अब क्या हो गया ललिता? अरे पहले तो खुद ही हमारे बिजनेस में दखल अंदाजी कर रही थी, और अब अपने भाई को भी ले आई है। तू ही किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बहाने अरे एक एक करके अपने सारे खानदान को ले आएगी और हमारी फैक्ट्री हड़प कर लेगी। कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, सड़क पे आ जाएंगे इस सिद्धार्थ और आंचल के कारण। ललिता, सोच समझ के बोला करो। सिद्धार्थ सुनने का तो क्या सोचेगा वो? क्या कहां किस तरह बोलना चाहिए कुछ पता नहीं है तुम्हें? पहले तो खुद ही हमारे बिजनेस में दखल अंदाजी कर रही थी, अब अपने भाई को भी ले आई है। अरे एक एक करके अपने सारे खानदान को ले आएगी और हमारी फैक्ट्री हड़प कर लेगी। सिद्धार्थ जी, वो सप्लायर ने माल देने से इनकार कर दिया है। कहता है जब तक पुराना पेमेंट नहीं होगा माल नहीं दिया जाएगा। मैं समझता हूं श्याम बाबू, लेकिन अगर मैं चेक दे सकता तो कभी का दिया होता। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।